आज हम जीडी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 3 सिविक्स एंड गवर्नमेंट का लेसन 4 पढ़ेंगे, जो कि है द इलेक्टोरल सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स द टू डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो दो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। दीज पार्टीज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन आर नेशन। और ये दोनों पार्टीज़ यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो पेश करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स की नेशन में गवर्नमेंट के रोल के मुताबिक। इन इलेक्शन सीजन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वर्क टू प्रमोट देयर व्यूज़ प्लेटफॉर्म्स एंड पोजीशंस ऑन इश्यूज लाइक टैक्स रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन स्पेंडिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। इलेक्शन सीजन में पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं उनके, वो काम करते हैं अपने व्यूज़ को, अपने नज़रियों को प्रमोट करने का, अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का और अपनी पोजीशंस को प्रमोट करने का ऐसे इश्यूज़ में जो कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कई और जो है वो इशूज़। The political parties raise money through organizations to get their candidates elected. जो political parties हैं वो organizations के ज़रिए जो है पैसे जो है उनका इंतज़ाम करती हैं ताकि अपने उनके जो कैंडिडेट हैं वो elect हो सकें। In primary elections, candidates within the party compete with each other for party's nomination. सबसे पहले जो है प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें के हर पार्टी के कैंडिडेट्स अपने ही पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ कंपीट करते हैं नॉमिनेट होने के लिए। द विनर्स ऑफ प्राइमरी इलेक्शंस फ्रॉम ईच पार्टी देन फेस ऑफ इन जनरल इलेक्शंस। प्राइमरी इलेक्शन में जो जीतते हैं कैंडिडेट्स, फिर हर पार्टी से वो फिर सब जो है एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं जनरल इलेक्शंस में। द प्राइमरी सीजन एंड्स विद अ पार्टी कन्वेंशन वेयर डेलीगेट्स फ्रॉम ईच स्टेट गैदर टू सेलेक्ट द पार्टीज कैंडिडेट कॉल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। प्राइमरी सीजन के ख़त्म होने के बाद एक पार्टी कन्वेंशन होती है, जिसमें जो डेलीगेट्स हैं हर स्टेट के, वो जमा होते हैं पार्टी के कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, और इस सिलेक्शन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ कंपीट करते हैं नॉमिनेट होने के लिए, और नॉमिनेट हो के जो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं फिर वो दूसरी पार्टीज़ के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनसे के साथ कंपीट करते हैं जनरल इलेक्शंस में। और जनरल इलेक्शंस के बाद जब प्राइमरी सीजन एंड हो जाता है, तब हर पार्टी कन्वेंशन होती है, जिसमें उनके जो डेलीगेट्स हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं यानी जो नॉमिनेटेड लोग हैं, वो जमा होते हैं और फिर वो एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं अपने पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है आगे लड़ता है। अब हम इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में सीखेंगे। सिटीजन्स वोट इन जनरल इलेक्शंस। जो सिटीजन्स हैं यानी जो शहरी हैं, वो जनरल इलेक्शन में वोट करते हैं। After general election, electors from each state cast their state's vote in the electoral college.
जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्टर्स होते हैं हर स्टेट के, यानी वो लोग जिन्हें के सिटीजन्स जो हैं वो चुनते हैं, वो हर स्टेट से जो है वो जमा होते हैं और अपने स्टेट का वोट देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में. द इलेक्टर्स मस्ट कास्ट देयर वोट फॉर द कैंडिडेट हु वॉन द जनरल इलेक्शन इन देयर स्टेट. जो इलेक्टर्स हैं वो उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं जो कि उनकी स्टेट में इलेक्शन जीता है, जनरल इलेक्शन. द कैंडिडेट हु विंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स बिकम प्रेसिडेंट. और फिर वो कैंडिडेट जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट जीतता है प्रेसिडेंट बन जाता है. इलेक्टोरल कॉलेज के बाद अब हम डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स के बारे में सीखेंगे. डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स आर बाय फार द लार्जेस्ट पार्टीज इन द यूएस. हाउएवर देयर आर स्मॉल पार्टीज एज वेल. डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं वो अब तक की सबसे बड़ी जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज हैं. हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सी जो है छोटी पार्टीज भी पाई जाती हैं. एट टाइम्स अ थर्ड पार्टी कैंडिडेट लाइक रॉल्फ नेडर और रोस पैरोट अट्रैक्ट इनफ सपोर्ट टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द नेशनल इलेक्शन. ऐसे वक्त भी आते हैं कि जब थर्ड पार्टी कैंडिडेट यानी कोई किसी तीसरी पार्टी का कैंडिडेट जो है, जैसे कि रॉल्फ नेडर और रोस पैरोट जो हैं, वो इनफ सपोर्ट जो है वो अपने लिए अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से, उस सपोर्ट की वजह से जो उनको मिलती है, जो नेशनल इलेक्शन का आउटकम होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, यानी उस पर असर पड़ता है. ऑल्दो स्मॉल पार्टीज ऑफर इंटरेस्टिंग न्यू आइडियाज़ और सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, बट स्टिल दे हैव ग्रेट डिफिकल्टी अट्रैक्टिंग मनी एंड पब्लिक अटेंशन बिकॉज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज आर सो वेल इस्टेब्लिश्ड. हालांकि जो स्मॉल पार्टीज़ हैं वो इंटरेस्टिंग न्यू आइडियाज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन भी ऑफ़र करती हैं, पर फिर भी उनके लिए जो है पैसे जमा करना और इतनी बड़ी जो है पब्लिक अटेंशन जो है उसको अट्रैक्ट करना या पब्लिक अटेंशन को लेना मुश्किल होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हैं. डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बाद अब हम पॉलिटिकल कैंपेन्स के बारे में सीखेंगे. In US, many voters consider themselves either Republicans or Democrats, and many others are independent. United States में कुछ voters जो हैं वो ख़ुद को या तो Republican बताते हैं या Democrats बताते हैं, और कुछ जो है independent हैं. Candidates and their political parties rely heavily on opinion polls. जो candidates हैं और इसके साथ साथ जो उनकी political parties हैं वो ज़्यादातर जो है वो opinion polls पे rely करते हैं, इन्हिसार करते हैं. opinion polls यानी कि election से पहले जो है candidates और जो political parties हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनका नज़रिया क्या है. देन ट्राई टू अपील लार्ज नंबर्स ऑफ वोटर्स थ्रू देयर कैंपेन मैसेजेस. और उनके नज़रिए को समझने के बाद, यानी सिटीजन्स के नज़रिए को समझने के बाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर्स की जो तादाद है उसे अपनी तरफ अपील करने की कोशिश करते हैं अपने कैंपेन मैसेजेस के ज़रिए. Groups of voters who might swing an election one way or another are particularly important targets for political campaigns. Voters का जो group है जो कि मतलब एक बड़े voters का group जो कि एक election की जो है वो सूरत हाल या जो रास्ता है वो एक से मतलब पलट के दूसरी तरफ कर दे, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट वोटर्स के ग्रुप होते हैं वो पॉलिटिकल कैंपेन्स के टारगेट्स होते हैं.
Sometimes opposing candidates participate in public debates और political campaigns के लिए कभी कभार जो opposite candidates हैं वो public debates में भी participate करते हैं. Political campaigns can be very expensive. The higher the office, the more expensive the campaign. जो political campaigns हैं वो बहुत ज़्यादा expensive भी हो सकती हैं क्योंकि जितना बड़ा office होगा उतनी ज़्यादा जो है वो campaign expensive होगी. To reach public, candidates pay for mailings, TV ads, events, including personal appearances, and for that they need staff and offices. पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो मेलिंग के लिए पैसे पे करते हैं, टीवी एड्स के लिए पैसे पे करते हैं, इवेंट्स के लिए करते हैं और पर्सनल अपीयरेंस के लिए जो है वो भी जो है वो पे करते हैं. और इन सब कामों के लिए या पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाने के लिए उनको स्टाफ और ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है. दे हैड टू पे ट्रैवल एक्सपेंसिव और उसके साथ साथ जो उनकी ट्रैवलिंग है उसके एक्सपेंसेस भी उनको ख़ुद पे करने पड़ते हैं. टू हेल्प पॉलिटिकल कैंपेन्स फंड रेजिंग हैज़ बिकम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट और यही सब रीजंस हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने ऑफिसेस चलाने होते हैं और अपने स्टाफ को पे करने के लिए जो है वो फंड रेजिंग करनी पड़ती है. और ये फंड रेजिंग जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट बन चुका है. इन रीसेंट डिकेड्स अमेरिकन्स हैव बिकम मोर एंड मोर कंसर्न अबाउट द हाई कॉस्ट ऑफ रनिंग एन ऑफिस. पिछले कुछ सालों में अमेरिकन्स जो हैं वो ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा कंसर्न हैं, इस बात के लिए ज़्यादा परेशान हैं कि एक ऑफिस चलाने के लिए जो हाई कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है. दे बिलीव दैट अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव टू बी वेल्दी टू बिगिन विद और बी ओवरली ऑब्लिगेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन ऑर्डर टू गेन पोलिटिकल ऑफिस. वो ये मानते हैं कि कैंडिडेट को वेल्दी होना या अमीर होना ज़रूरी नहीं है ताकि वो पोलिटिकल ऑफिस खोल सके और पोलिटिकल कम्पेन्स चला सके. Now we have laws to restrict the size of campaign contributions और इसी लिए हमारे पास जो है अब laws हैं जो कि campaign में जो contributions होती हैं यानी जो पैसे contribute किए जाते हैं उनके size पे restriction लगा दी गई है. We also have restrictions on how political action committees operate. इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज़ जो हैं उनको कैसे चलाया जाए इस बारे में भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं. हाउ एवर मैनी पीपल बिलीव दैट मोर रिफॉर्म्स आर नीडेड. हालांकि इन लॉज के बनने के बाद और इन रिस्ट्रिक्शंस के लगने के बावजूद भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि और ज़्यादा रिफॉर्म्स जो हैं यानी और ज़्यादा जो लॉज हैं वो उनकी ज़रूरत है पॉलिटिकल कैंपेन्स पे जो फंड रेजिंग होती है और उस पे जो पैसे खर्च होते हैं उसको रोकने के लिए. आज का हमारे जीडी सोशल स्टडीज़ के यूनिट 3 सिविक्स एंड गवर्नमेंट का लेसन 4 द इलेक्टोरल सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप आपको इसकी समझ आई हो.